अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है एडोब फोटोशॉप। तो एडोब फोटोशॉप में ग्रेडिंग किस तरीके से दिया जाता है, मैं वो सिखाऊंगा। तो सबसे पहले एडोब फोटोशॉप मैंने ओपन कर लिया। एडोब फोटोशॉप ओपन करने के बाद मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूँ, कोई ऐसी इमेज जिसका बैकग्राउंड मुझे चेंज करना हो या बैकग्राउंड पे मुझे ग्रेडिएंट लाना हो। तो मैंने एक ये फोटो ओपन कर ली है। इस फोटो को ओपन करने के बाद मैं इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो समझना पड़ेगा ग्रेडिएंट होता क्या है। तीन चार कलर या ज़्यादा कलर्स को मिला के या एक से ज़्यादा कलर्स को मिला के जो कलर्स का कॉम्बिनेशन से एक बैकग्राउंड बनाया जाता है उसको हम ग्रेडिएंट कहते हैं। मीन्स तीन चार कलर्स या दो कलर्स से मिला के कोई चीज़ बनाई जाती है उसको हम ग्रेडिएंट कहते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी मैं सिलेक्शन निकालूंगा। तो सिलेक्शन निकालने के लिए इस पिक्चर को मैंने क्यों सिलेक्ट किया, इसकी सिलेक्शन निकालना इजी था क्योंकि मुझे आपके लिए शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बनानी होती है। जितनी हो सके मैं शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले क्विक टूल लेने के बाद सिलेक्शन निकालना तो फिर आपको आता है ये सिलेक्शन। अगर नहीं आता तो मेरी दूसरी वीडियोस पुरानी देख लें। तो इसकी मैं सिलेक्शन निकाल लेता हूँ क्विक टूल से। सिलेक्शन निकालने के बाद अब देखिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा हिस्से की भी सिलेक्शन हो गई है। सबसे पहले तो मैं इसकी सिलेक्शन को सही कर लूँ। जो डॉट डॉट है वो सिलेक्ट नहीं हुए थे, इसकी मैंने सिलेक्शन कर ली। अब देखें ये पूरा पेज ही सिलेक्ट हो गया ऑलमोस्ट। तो मुझे इसके व्हाइट वाला हिस्सा रिमूव करना है। तो ये मैं माइनस ले लेता हूँ, माइनस से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इसकी साइज थोड़ी छोटी करके यहाँ से भी मैं रिमूव कर लूंगा। इसकी ठीक से सिलेक्शन निकालने के बाद अब मैं कर दूंगा न्यू लेयर ओपन। तो न्यू लेयर ओपन करने का तरीका है कंट्रोल प्लस जे। कंट्रोल जे से न्यू लेयर ओपन करने के बाद मैं बैकग्राउंड पे दोबारा क्लिक करता हूँ। यहाँ से मेरे पास है ग्रेडिएंट टूल। ग्रेडिएंट टूल लेने के बाद यहाँ पे जाके मैं कोई भी कलर देना चाहूँ मैं यहाँ से दे सकता हूँ। जिस समय पर ग्रेडिएंट रेडी पड़े हुए हैं तो मैं कुछ एक अच्छा सा ग्रेडिएंट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करके रखूंगा और इधर तक ले जाऊँगा और अब क्लिक छोड़ दूंगा। तो इस तरीके से बैकग्राउंड पर ग्रेडिएंट आ गया। अब मैं चाहता हूँ ग्रेडिएंट को हटाना बैक करना चाहता हूँ तो मैं करूंगा कंट्रोल अल्ट सेट। अब मैं आपसे कहूँगा पेंट। पेंट का काम होता है एक कलर पे काम करना। अब जैसे कि मैंने ब्लैक कलर लिया हुआ था तो ब्लैक पे काम कर गया। तो मैं कोई भी और कलर लूंगा तो इधर से जाके मैं कोई भी कलर कर ले लेता हूँ और इधर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो वो कलर हो जाएगा। क्योंकि मैंने सिलेक्शन सही से नहीं निकाली थी, अगर आप सही से सिलेक्शन निकालेंगे तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।